बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलिए बेटा अब हम सेंटेंसेस को बाय स्ट्रक्चर इनकी टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बाय स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी होती हैं नंबर वन है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो क्लॉज का सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया आपको उसे माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे

एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिस इज सिंपल सेंटेंस याद रखें सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव्स भी रख सकता है एडवर्ब्स भी रख सकता है एक सिंपल सेंटेंस में जो नहीं होता वो क्या है क्या नहीं होता वो ये कि एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया ना एक इंडिपेंडेंट होती है अब एक के अलावा एक और अगर हम कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इसके साथ कोई सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी सेंटेंस के साथ कोई दूसरा सेंटेंस ऐसा नहीं होता सेंटेंस ये एक ही सब्जेक्ट रखता है एक ही वर्ब रखता है उसके साथ एडजेक्टिव्स आ सकते हैं एडवर्ब्स आ सकते हैं लेकिन एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट एक और एक सेंटेंस के साथ एक और तो उसे सब का नाम भी दिया जाता है तो ऐसा सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता आइए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं द स्नो मेल्टेड क्विकली इन द ब्राइट सनशाइन अब यहां पर देख लें बेटा सिंपल सेंटेंस में आपको एडवर्ब नजर आ रहा है ठीक है इसी तरह आपको एडजेक्टिव नजर आ रहा है एडवर्ब ये एडजेक्टिव ये मगर आपको एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज या ऑर्डिनेट क्लॉज नजर नहीं आ रही अब बढ़ते हैं की जाने पे। और पास क्या है यहाँ पर भी क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है कोई और इंडिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज का इजाफा यहाँ पर नहीं किया गया अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ

लेकिन उससे पहले एक नोट है जो याद रखना है आपने कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलाया होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं जो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए एंड और बट सो एंड और बट सो अच्छा अब एग्जाम्पल्स की जाने आ इट स्टार्टेड टू रेन सो वी इनसाइड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसको मिलाया किसके साथ हुआ सो के साथ एग्जाम्पल कॉमेडी इज है किससे बंडरस्टैंड हुई बास इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंट टाइप की जाने भटते हैं और नेक्स्ट टाइप हमारे पास बेटा कुछ यूं है और वो क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और ये कुछ मुश्किल इसलिए समझी जाती है कि हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाते मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे इसलिए ध्यान से बी अटेंटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है बेटा सब ऑर्डिनेट एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्या होता है मेन क्लॉज के साथ जो लगी हुई होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो लगी होती है मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो लगी होती है उसे कहते हैं। एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट को जब एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज के साथ मिलाया जाता है इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम देते हैं क्लियर अब जरा एग्जांपल्स की जाने पर आ आमिर विल विजिट यू दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज अब इसको मिलाया वेन यू सीक फॉर गिवनेस फॉर हिम वेन यू सीक फॉर गिवनेस फॉर हिम दिस इज एक्चुअली सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर हो रही है बात Done है अब वही बात की गई कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मिला दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है एक और एग्जाम्पल देख ली द ऑर्डर दैट वी हैड प्लेस्ड टू वीक्स अगो हैज नॉट अराइव अब ये देखें द ऑर्डर हैज नॉट अराइवेंडेंट क्लॉज है क्लियर हो रही है बात एंड ये जब कंप्लीट सेंटेंस होता है तो यह बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर अब भटते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं कंपाउंड मिक्सचर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिंपल बात लेकिन डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है ये बनता है दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस और उनके साथ हम एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डो क्लॉज को मिलाते हैं यह शर्त है मेन क्लॉजेस कितनी होनी चाहिए दो कम अज कम दो से ज्यादा हो सकती हैं लेकिन दो कम अज कम और इनके साथ एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मिला दें अब जरा देखें अब मेन क्लॉज कौन सी होंगी जो इंडिपेंडेंट होती हैं जिनको अलग सेंटेंस के तौर पे भी हम ला सकते हैं अब जरा एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है देखें इनमें से मेन क्लॉज कौन कौन सी पहले इफ यू वुड लाइक टू अटेंड द सेमिनार प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर हसन बिफोर फ्राइडे अब ये देखें पहला प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर हसन बिफोर फ्राइडे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू मेक ऑल अरेंजमेंट दैट ही मस्ट मेक बाय फ्राइडे अदरवाइज ही विल बी एबल टू मेक ऑल द अरेजमेंट्स ही विल बी एबल टू मेक ऑल द अरेजमेंट अब दैट ही मस्ट मेक बाय फ्राइडे ये वाला क्या है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है अभी देखिए एक और दो ये मेन क्लॉजेस हैं टू और उसके बाद बाकी क्या है सब ऑर्डिनेट क्लॉजे अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जाम्पल की जाने है वेन ही केम ऑन द रोड ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड ठीक है फिर वेयर ही वॉज गोइंग ये सेंटेंस आगे ये दो मेन क्लॉजेस और बाकी क्या है सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस क्लियर बेटा मुझे उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के साथ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे